नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त दीप्ति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इग्नाइट। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं आपका फेवरेट वीडियोस बेस्ड ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है आकुश स्टैब इन द बैक। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये आकुश एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं। आखिर ये आकुश एग्रीमेंट है क्या, इसमें कौन कौन सा देश शामिल है, इस एग्रीमेंट के पीछे इंटेंशन क्या है, इस आकुश एग्रीमेंट कौन कौन सा देश को बेनिफिट पहुंचा सकता है और कौन कौन सा देश लूजर हो सकते हैं, आखिर ये स्टैब इन द बैक कौन कहा और क्यों कहा, ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आकुश स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएसए। आकुश एग्रीमेंट एक डिफेंस एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट का ये इंटेंशन है कि यूएस और यूके मिलकर ऑस्ट्रेलिया को मिलिटरली इतना पावरफुल बना दे कि ऑस्ट्रेलिया अकेला इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर कर सके। इस एग्रीमेंट में ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर वॉरफेयर, अंडर वाटर सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसकी शुरुआत न्यूक्लियर पावर सबमरीन के सप्लाई से होने वाला है। ये एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, ना कि न्यूक्लियर सबमरीन। मतलब ये सबमरीन न्यूक्लियर पावर से ऑपरेट होगा और इस सबमरीन में कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल अटैच नहीं होने वाली है। ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन पानी के अंदर ज़्यादा देर तक रह सकता है इन कंपैरिजन टू डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। आपके जानकारी के लिए ये बता दूं कि सबमरीन दो तरह के होते हैं, एक है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और दूसरा है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। क्या इस डील के वजह से ऑस्ट्रेलिया पे अटैक यूएस और यूके के ऊपर अटैक माना जाएगा? जी नहीं। आज पर दिस एग्रीमेंट यूके और यूएस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करने वाले हैं। इन फ्यूचर अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो उस अटैक को ऑस्ट्रेलिया को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। इस इवेंट को वर्चुअली अरेंज किया गया था और इस इवेंट में एक बैड इंसिडेंट ये हुआ कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन का नाम भूल गए। ये इंसिडेंट जो बाइडेन के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाला मोमेंट था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। To forget Scott Morrison's name. Have a look. I want to thank that fellow down under. Thank you very much, pal. Appreciate it, Mr. Prime Minister. इससे पहले इसराइल प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के साथ एक प्रेस मीट के दौरान जो बाइडेन सो गए थे। इसी इंसिडेंट के वजह से जो बाइडेन सोशल मीडिया में बहुत ट्रोल हो रहे हैं। चलिए अब वापस चलते हैं अपने असली मुद्दे पर। इस डील के ऊपर चाइना और फ्रांस बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि ये डील चाइना के अगेंस्ट में हो रहा है तो नेचुरली चाइना इस पर बहुत ही गुस्सा होगा। एक्चुअली इट वाज अ मेगा डील बिटवीन फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, वो भी 70 बिलियन डॉलर का। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 12 न्यूक्लियर पावर सबमरीन की ज़रूरत थी, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को कॉन्टैक्ट किया। 2017 में फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। उस एग्रीमेंट के दौरान फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को ये कहा कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन को 2032 तक डिलीवर करेगा। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के पास उतना टाइम नहीं था, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने उस डील को 2018 में फ्रीज कर दिया। तो अब ये अनाउंसमेंट किया गया कि ऑस्ट्रेलिया को ये 12 न्यूक्लियर पावर सबमरीन यूएस और यूके से मिलने वाला है, जो कि फ्रांस के लिए एक शॉकिंग मोमेंट है। इसका मतलब यह है कि जो 70 बिलियन डॉलर्स फ्रांस को जाने वाले थे वो अब यूके और यूएस के पास जाने वाले हैं। इज ए ह्यूज लॉस फॉर फ्रांस। इस एक्यूस एग्रीमेंट के लिए फ्रांस ने यूएस को डायरेक्टली जिम्मेदार ठहराया है। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने इस इंसिडेंट को स्टैब इन द बैक कहा है, क्योंकि इस एक्यूस एग्रीमेंट चाइना के अगेंस्ट में हो रहा है तो चाइना इस एग्रीमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अपने माउथपीस यानी कि ग्लोबल टाइम्स के थ्रू अपशब्द का इस्तेमाल किया है। चाइना ने दरअसल ऑस्ट्रेलिया को यूएस का पालतू कुत्ता कहा है। ऐसा इसीलिए कि चाइना को अच्छी तरह मालूम है कि और एक देश आने वाले दिनों में और पावरफुल होने वाला है और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को चैलेंज करने वाला है। इस एक्यूस डील में इंडिया, जापान, सिंगापुर जैसे देश बहुत खुश है, क्योंकि क्वाड देशों के अंदर ऑस्ट्रेलिया एक ही देश था जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर था और आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया मिलिटरली और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आखिर मैं मेरा कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में फ्रांस इंडिया के ऊपर और डिपेंडेंट होने वाला है, क्योंकि इंडिया को छोड़ के फ्रांस के पास और कोई भी रिलायबल पार्टनर नहीं है, जो कि इंडिया फ्रांस के लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल मिलिट्री और बिजनेस पार्टनर है। इसी सिचुएशन को देखते हुए इंडिया फ्रांस के साथ
क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे एग्रीमेंट साइन करवा सकता है ताकि इंडिया को फाइटर जेट की इंजन बनाने में मदद हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल। थैंक यू।